क्या यह सपना पूरा होगा या फिर एक प्रश्न ही बनकर रह जाएगा? एक लक्ष्य है, 15 अगस्त 2020 भारत एक उन्नत राष्ट्र बन जाए। इसी लक्ष्य के राह पर एक पड़ाव है, 15 अगस्त 2012 भारत एक आईटी महाशक्ति बन जाए। और इस पड़ाव के तरफ एक कदम, 15 अगस्त 2006 भारतीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग, हिंदवी प्रोग्रामिंग प्रणाली के माध्यम से। हिंदवी प्रोग्रामिंग प्रणाली में आप हिंदी में ही बेसिक C++ असेंबली ऐसी अन्य भाषाओं के प्रोग्राम लिख सकते हैं। हिंदवी पहली ऐसी प्रणाली है जिसमें हिंदी में ही बेसिक C++ लेक्स याक जैसी भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाने की क्षमता है। हिंदवी के तकनीकी क्षमता की पुष्टि इस बात से होती है कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसे YITPA राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया है। भारत सरकार के टीडल विभाग ने भी इसे पहचाना है। हिंदवी मुफ्त सुलभ मूल प्रणाली है। इसे GNU GPL V2 लाइसेंस के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। इसके उपयोगार्थ कोई राशि देय नहीं है। हिंदवी क्रमानुशीलन प्रणाली को सर्वप्रथम 2 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2004 को प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत 15 अगस्त 2005 को इसका दूसरा संस्करण निकाला गया। यह दोनों मूलतः हिंदी डॉस पर आधारित थे। सराय नामक एक संस्था ने लिनक्स पर हिंदवी के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 2006 को प्रकाशित हो रहा है हिंदवी एट लिनक्स। इस सीडी के माध्यम से आप हिंदवी एट लिनक्स से परिचित होकर उसका प्रयोग करने में सक्षम होंगे।